छत्तीसगढ़ के नारायणपुर कांगेर सीमा के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए जबकि 2 जवान घायल हैं। दोनों जवानों को कांकेर से एयरलिफ्ट कर रायपुर के नारायण अस्पताल लाया गया है। एक जवान ने पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी, सुनिए। ज्वाइंट ऑपरेशन था, टोटल हम लोग गए थे 1439 और हमारे जो कांकेर में कांकेर टीम थी 400 के आसपास। कितने बजे मुठभेड़ शुरू हुआ? मुठभेड़ सुबह फर्स्ट लाइट में सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ तो वही 11 बजे तक अभी भी जारी। हाँ, अभी भी जारी है। कितने जवान, कितने नक्सली मारे गए हैं उसमें? हाँ, उसमें से तो शायद 5 नक्सली मारे गए। और भी कुछ घायल होने की? हाँ, और भी घायल होने की सूचना है अभी भी। जवान कितने घायल हुए हैं, क्या नाम है? दो जवान घायल हुए हैं जिसमें एक जवान हीरामन यादव और एक गावड़ी सर। कहाँ गोली लगी? एक जवान के पैर में गोली लगी है जंघे में और एक के सिर में। अभी क्या स्थिति है जवानों की? अभी सेफ है, ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि किस तरह राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार अपने वायदे के अनुरूप बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लगातार सर्चिंग की कार्यवाही हो रही है और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाकर बस्तर को विकास की गति, विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।